तरह सांसें क्यों फूल रही है तुम्हारी? हाँ, कोई नया नाटक है क्या? काश ये नाटक होता भानु भैया, कम से कम इस नाटक में अंतराल तो होता। ये तो वो हकीकत है जो रोके नहीं रुकती है। भानु का अपना ही शब्दकोश है भाभी, जिसमें रुकना शब्द सूचित नहीं है। हाँ, झुकाना, ये शब्द हमारे लिए पर्याप्त है। कि झुकने झुकाने का खेल बड़ा ही निर्दयी होता है, इसलिए आज आपसे विनती करने आए हम औरतों को अपने इस खेल से दूर रखें। हमें अपनी रणनीति का हिस्सा उत्तम अति उत्तम प्रणाम करते हैं उनका। क्या पासा फेंका है, खुद से ना बन पड़ा तो अपनी पत्नी को भेज दिया गिड़गिड़ा ने। एक बात कह देना काशी से, कंगना सजा ले हाथों में। क्या रणनीति, अद्भुत काशी, अद्भुत। काशी के नाम मात्र से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है भानु, लगता है मृत्यु बहुत करीब है, इसलिए बार बार काशी का नाम लिए जा रहे हो। अरे रे 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 भाभी जी, आप तो भानु भाई साहब से सीधे भानु पर उतर आए। अब इस तरह देवर जी का अपमान होता रहेगा तो देवर जी भी अपनी सहनशीलता खो देंगे। सहनशीलता, ऐसे शब्द आपके मुंह को शोभा नहीं देते। और रही बात अपमान की, तो अपमान उनका होता है जिनका समाज में या फिर जीवन में मान। एक और बात कहिएगा काशी से, कि वो अपनी वाक चातुरी का प्रदर्शन प्रत्यक्ष आकर करे, तो मिल में छुपकर बैठने से सुरक्षा तो मिल जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। बनारस का शेर काशीनाथ पांडे अपनी गुफा में निवास करता है भानु, दिल तो उन्होंने तुम जैसे चूहों के लिए छोड़ रखा। बस आप अपनी मर्यादा पार कर रही हैं। राम जी भला करे, औरत है तो औरत के पात्र को निभाइए। जब आप जैसा पुरुष अपने पात्र को न्याय नहीं देता तो हम जैसी औरतों को आकर अपनी पात्रता का प्रमाण देना पड़ता है। आपके निचले स्तर की राजनीति पर हमें बिल्कुल शक नहीं है। शक सिर्फ इस बात का है कि आप कहीं अपना क्रोध हमारी सहेली माया पर ना निकाले। इसलिए आज आपसे कहने आए हैं कि अपनी सहेली के शरीर पर एक भी खरोंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। आनंद हुआ कि आपने इस प्रकार बगैर भयभीत हुए हमसे इतनी वार्तालाप। बहुत बहुत आनंद। काशीनाथ पांडे की पत्नी की आंखों में डर की अपेक्षा मत करना, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं। और हाँ, ये राम जी भला करे बोलना जरा बंद करो। राम जी पापियों का कभी भला नहीं करते। और हाँ, रही बात चूड़ियों की, तो हमारी कंगन देखकर तुम्हारी छटपटाहट हमसे ये कहती है कि इन चूड़ियों की हमसे ज्यादा तुमको जरूरत है।